नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम हल करेंगे नेट परीक्षा 25 जून 2019 का प्रश्न पत्र। यह पेपर ऑनलाइन हुआ था, तो आज के जितने भी प्रश्न हैं वो मैंने आपके लिए एक रजिस्टर पे संग्रहित कर लिए हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। मैं नीर भरी दुख की बदरी महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से लिया हुआ है? यह पंक्ति उसकी किस कविता से, और जिस कविता से, देखिए कविता का शीर्षक है मैं नीर भरी दुख की बदरी, इसी शीर्षक से कविता है, लेकिन ये कौन से काव्य संग्रह में है यह हमें बताना है। तो यह सांध्य गीत में संकलित है। कहने का तात्पर्य, अब जो हम पेपर हल करेंगे यह NTA द्वारा जो पेपर आयोजित किए जा रहे हैं उसमें दूसरे नंबर का प्रश्न है, प्रश्न पत्र है, और साथ ही साथ यह वह प्रश्न पत्र है जिसके पूर्व में सिलेबस का निर्धारण किया गया था, पुनः निर्धारण किया गया था, यानी नया सिलेबस लगाया गया था। नए में विशेषता कुछ नहीं था, कुछ पॉइंट घटा बढ़ा दिए थे, व्याकरण के कुछ पॉइंट बढ़ा दिए थे, तो काव्यशास्त्र के कुछ टॉपिक कम कर दिए थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन पेपर्स को हल करने के साथ साथ हमें यह भी देखना है कि प्रश्नों को पूछने कि क्या विशेषता इसमें नई है, किस प्रवृत्ति के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब केवल यह रट लेने से कि नीर भरी दुख की बदरी कविता किस कवियत्री की है या ये किस रचनाकार क्या रचना है, काम नहीं चलेगा। आपको कविताओं के काव्य संग्रह का नाम भी याद होना चाहिए कि कौन सी कविता कौन से काव्य संग्रह में संकलित है, ठीक है। दूसरा है नुक्कड़ नाटक के विषय में असत्य कथन कौन सा है। चार ऑप्शन थे, राजनीतिक प्रतिबद्धता, कला कला के लिए, जीवन के लिए, और व्यस्त के नाट्य सिद्धांतों के लिए निकट है। तो इसमें असत्य कथन यह है कि वो कला कला के लिए, देखिए जब नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जाते हैं, एक नाटक आयोजित होता है रंगमंच पे, तो उसके बहुत से आधार हो सकते हैं, लेकिन जब नुक्कड़ नाटक हम करते हैं तो अधिकतर हम वह नाटक करते हैं जो सामाजिक जन जागृति के लिए थे, किसी विशेष टॉपिक को लेके, किसी विशेष विषय को लेके, जब हमें जनता में जागरूकता फैलानी होती है, कोई संदेश हमें देना होता है, तो नुक्कड़ नाटक किए जाते हैं। तो राजनीतिक प्रतिबद्धता भी होती है क्योंकि वो किसी न किसी सामाजिक संदेश को, महत्वपूर्ण संदेश को समाज के लिए प्रसारित करने के लिए किए जाते हैं। जीवन के लिए वो होते ही हैं, जैसा कि है कि किसी विशेष तथ्य को लेके वो होते हैं, विशेष जानकारी को लोगों तक सरल भाषा में दृश्य रूप में पहुंचाने के लिए उनका मंचन किया जाता है, तो यह भी एक उद्देश्य है, और वेस्ट के नाट्य सिद्धांतों के भी निकट है। लेकिन कला कला के लिए सिद्धांत गलत है क्योंकि वो कला का प्रदर्शन करने के लिए नुक्कड़ नाटक नहीं किए जाते, ना वहाँ पे बहुत सारे सुख सुविधाएं होती है, सुख सुविधाओं से मतलब साधन सुविधाएं, या आपके पास बेहतरीन लाइट भी नहीं होती, वो तो जगह जगह गाँव में जा जाके छोटे छोटे एक चौराहे पे या किसी विशेष स्थान का चयन करके वहाँ पे किए जाते हैं। तो कथन नंबर दूसरा असत्य है। तीसरा देखते हैं, लाला श्रीनिवास दास ने किन विधाओं में लिखा? तो उन्होंने नाटक और उपन्यास दो लिखे हैं, उनके नाटक भी हैं और उपन्यास भी हैं, ठीक है, लेकिन कविता और आलोचना इन दो विधाओं में उन्होंने नहीं लिखा। आगे देखते हैं, हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा, रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना ही होगा। तो ये आषाढ़ का एक दिन इस नाटक से ली हुई पंक्तियां हैं, और मोहन राकेश का नाटक है, सिलेबस में लगा हुआ है। कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? ध्यान मंजरी, कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी, ये तीनों ही रचनाएं अग्रदास की हैं, रूप मंजरी नहीं है, ठीक है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास हम चैनल पर पढ़ के आए हैं, तो आसानी से इसको कर लेंगे। आगे देखते हैं छठा, यह भी एक कथन है, ये इसके इस तरीके से मैंने देखिए ऊपर फर्स्ट नंबर का था वो भी कथन था, चौथे नंबर का भी कथन है, छठे नंबर का प्रश्न भी कथन है, बहुत सारे प्रश्न इसमें कथन एवं पंक्तियों के हैं, इसलिए आगे मैंने लिख दिया है रजिस्टर पे, ताकि पेपर को एक तरीके से विश्लेषण जब आप इसका करें तो आपको समझ में आए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कथन और पंक्तियों के कितने प्रश्न हैं। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वहन किया है। भक्त मूलतः देवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद मूलतः अहिक्या की धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का यह कथन है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की बुक है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, तो उसी से ये कथन लिया हुआ है। उस पुस्तक के अंतर्गत जो तुलसीदास वाला टॉपिक है वहाँ आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। ये बुक है इनकी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास,
इसी में यह कथन दिया हुआ है। आगे देखते हैं, शिवदान सिंह आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से, तो प्रश्न ये था कि किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से, तो ये प्रश्न हम पुराने प्रश्न पत्रों में बार बार करके आए हैं, तो ये आराम से हम कर ले जाएंगे। आगे कथन दिया हुआ है कि अगर प्रेम खूंखार होता है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी, मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ, वे देह की वस्तु नहीं आत्मा की वस्तु है, संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं, और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है, वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। तो ये कथन गोदान के किस पात्र से का है, तो हमने गोदान नाटक चैनल पे, जो गोदान उपन्यास है चैनल पे हम पूरा पढ़ चुके हैं, तो ये हमने देखा कि अंत में जब मालती का हृदय परिवर्तन हो जाता है तब, और जो मेहता उसको प्रणय निवेदन करते हैं, तब ये मालती का कथन है प्रेम के विषय में। तो ये कथन किसका है, मालती का है। यानी देखिए गैंग्रीन एक कहानी है अज्ञेय की, उसकी भी पात्र मालती है। इसको आंसर की मैं सोना दिया था, लेकिन ये 100% गलत है, सही उत्तर इसका मालती है। संस्थाओं को उनके प्रवर्तक के साथ सुमेलित करना है, ये भी पुराने प्रश्न पत्र में हम करके आए। ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी राजा राममोहन राय ने, प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी महादेव गोविंद रानाडे ने, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी एनी बेसेंट ने, और सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी महात्मा फूले ने। अब है अभिनव गुप्त के अनुसार, ठीक है, अब इनके सिद्धांतों को समझना पड़ेगा साहित्य शास्त्र के अंतर्गत, तब हम इन प्रश्नों का उत्तर लगा पाएंगे। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्या सही है और क्या गलत है, तो सही ढूंढना है कि अभिनव गुप्त के अनुसार सही क्या है। तो मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है, यह सही है। और तीसरे नंबर का सही है, साधारणकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वयं पर के बंधन से छूट जाता है, ठीक है। देखिए साधारणकरण किसका होता है, स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है, ऐसा कौन कहते हैं, अभिनव गुप्त। और स्वयं और पर के बंधन से मुक्त हो जाता है कि एकाकार हो जाता है, उस जो हमें सामने देख रहे हैं उसके दुख को हम महसूस करते हैं, उसकी खुशी को हम महसूस करते हैं, क्या होता है एक्शन, है ना। तो साधारणीकरण तो होता है एक्शन मूवी में, जब गुंडे की पिटाई करता है हीरो तो साधारणीकरण हो जाता है ना, कि हमें अच्छा लगता है, हर्ष का अनुभव होता है, और जब बहुत ज़्यादा उस पर विपताएँ आती हैं वो रोता है तो हमारी आंखों में भी जब आंसू आने लगते हैं वो स्थिति होती है साधारणीकरण की, सरल शब्दों में मैं बता रही हूँ। अब इसके बहुत सारी अनेक विषय हो सकते हैं, रूप हो सकते हैं, बहुत सारी तरीके, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रही हूँ ताकि जो बच्चे नहीं जानते हैं अभी जिन्होंने तैयारी की शुरुआत की है एक्चुअली वो समझ पाएँ कि साधारणीकरण है क्या, रस का साधारणीकरण होता है। चलिए, साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार आवश्यक है, ये भी गलत। और साधारण की अवस्था में प्रेक्षक को लौकिक संबंधों का बोध रहता है, ये भी गलत है, क्योंकि तब केवल एक जो चित्र देख उसमें हम तल्लीन हो जाते हैं, कोई भी कविता पढ़ते समय भी हम उसमें इतना खो जाते हैं कि स्वयं पर के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आगे देखिए, तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान लादने की कसम नहीं खाई। तो देखिए, जब वो पकड़ा जाता है जहाँ कहानी शुरू होती है वहीं कसम खाता है शुरू में कि बांस और चोरी का सामान और बांस, ये दो चीज़ अपनी गाड़ी में कभी नहीं ला देगा। लेकिन जब वो हीराबाई के प्रति उसका मन टूट जा दिल टूट जाता है तो वो कसम खाता है कि कंपनी की औरत को भी, ये तीसरी कसम होती है उसकी जो सबसे लास्ट में दी हुई है कहानी के, कि वो कंपनी की औरत को भी नहीं बिठाएगा। अब प्रश्न क्या पूछा है, नहीं खाई, तो दुल्हन की डोली को वो नहीं बिठाएगा, ऐसी कोई कसम उसने नहीं खाई थी, तो सही उत्तर यही होगा। इसको देखने इस तरीके के, देखिए मैंने आपको पहले भी कहानी पूरी पूरी मैंने आपको चैनल पे उपलब्ध करवाई है, जितनी भी कहानी आपके सिलेबस में है वो सब मैंने चैनल पे पढ़ा दी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी कहानियों की, साथ ही साथ जिन कहानियों से प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं वो कहानियाँ भी मैंने आपको चैनल पे पढ़ा दी। क्यों पढ़ा दी, ये कल के पेपर में उदाहरण सहित मैं स्पष्ट कर दूंगी, कि जो सिलेबस में नहीं है कहानी उससे भी प्रश्न पूछ लिया गया था, वो भी करवा दिए जो फेमस रही हैं अपने दौर की, ठीक है। तो वो पूरा पढ़िए वीडियो, देखिए मैं जब भी किसी भी कहानी है या कविता है उसके पार्ट्स में वीडियो बनाती हूँ, भाग एक भाग दो, अधिकतर स्टूडेंट, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, अधिकतर स्टूडेंट केवल पहला भाग देखते हैं, दूसरे भाग तक नहीं पहुँचते। जैसे असाध्य वीणा कविता, इतनी सुंदर और अच्छी कविता है, उसका पहला भाग ही देखेंगे, भ्रम राक्षस का पहला भाग ही देखेंगे, ठीक है, दूसरे भाग पर पहुँचते ही नहीं है। और प्रश्न तो जरूरी नहीं है ना कि पहले भाग से ही पूछा जाए, कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप एक टॉपिक को पढ़ें, जैसे कि आप आज आपको आपने लगाया कि मुक्तिबोध की कविताएं पढ़नी, तो जब उसको पढ़ें तो उस चीज़ को पूरा पढ़ें ताकि समझ में आए, स्पष्ट आपके दिमाग में एक स्पष्ट पिक्चर बने कि हाँ इतना सिलेबस हमारा हो गया है और चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आए। अब आपने एक पार्ट पढ़ लिया और ये जो प्रश्न है इसका उत्तर, जब तक आप लास्ट वाली कहानी को लास्ट उसका अंतिम भाग नहीं पढ़ेंगे आप इसका उत्तर दे नहीं सकते, तो फिर कहानी को पढ़ने का फायदा ही क्या। कहने का मेरा जो तात्पर्य है कि पूरा पढ़ें, ठीक है। आगे देखते हैं, यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है, मैंने केवल अपने बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है, जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है यह नितांत मेरा अपना है।
आपको उसका संभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं, ये किस आत्मकथाकार के कथन है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र के कथन है। आगे देखते हैं, पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बंगला काव्य मेघनाद बध को माना गया है। ठीक है, तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है, यह भी आपको इस बुक में मिल जाएगा। बहुत सारे कथन यहाँ पे आ रहे हैं। शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? तो रहस्यवाद का संबंध महादेवी वर्मा से सर्वाधिक है छायावाद के अंतर्गत। सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय में वैष्णव हो गए थे? तो ये निम्बार्क संप्रदाय में वैष्णव हो गए थे। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास में भी मैंने आपको ये पढ़ाया था। देखिए, इस तरीके के प्रश्न यदि नहीं भी आए तो यदि हिंदी साहित्य का सरल इतिहास आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि वृंदावन संप्रदाय मुख्य पीठ बन गया था निम्बार्क संप्रदाय की, यानी वहाँ पर निम्बार्क संप्रदाय के बहुत सारे कवि थे। एक तरीके से होता ना कि किसी स्थान पे किसी भाव विशेष की या किसी पूजा पद्धति विशेष की, उपासना पद्धति विशेष की बहुलता रहती है, तो वो ऐसा ही क्षेत्र था वृंदावन, और यह निम्बार्क संप्रदाय का काफ़ी प्रभाव था। तो अगर नहीं भी आ रहा हो तो कुछ चीज़ों को थोड़ा बहुत आप इधर उधर करके इसका उत्तर लगा सकते हैं अपने ज्ञान के आधार पर। आगे देखते हैं, यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आज़ाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? तो वह कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था। ठीक है, आगे देखते हैं, रचना काव्य प्रकाश चिंतामणि की है, और वैसे काव्य प्रकाश मम्मट की रचना भी है। रसराज मतिराम की है, रस विलास देव की है, और रस सारांश भिखारी दास का ग्रंथ है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधाओं की रचना कौन सी है? तो कालिदास की निरंकुशता और कालिदास और उनकी कविता, ये दोनों उनकी आलोचना विधा की रचनाएं। इस प्रकार के प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं रचना और रचनाकार वाली जो प्लेलिस्ट है उसके माध्यम से, वो आपको देखनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, तो ये थोड़ा कठिन मामला हो जाएगा अगर आप नहीं देखते हैं तो। आगे देखते हैं, कौन सा प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है? तो महातम सिंह मॉरिशस के नहीं है, अभिमन्यु अनंत मॉरिशस के हैं, ये हम पुराने पेपर में पढ़ के आए हैं। महेश राम जियावान भी हैं और रामदेव धुरंधर भी हैं। प्रवासी लेखक से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, और दलित आत्मकथाओं से संबंधित भी एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ये दो तीन प्रश्न ऐसे कॉमन है जो कि निश्चित से ही है ना। आगे देखते हैं, महातम सिंह नहीं है और ये तीनों हैं। और आगे देखते हैं, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजालिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेंगी। अंधा युग में ये किस पात्र का संवाद है? तो यह विदुर का संवाद है। ये जो बातें हैं ये कही हैं कृष्ण ने, कृष्ण जब चेतावनी देने आए थे उस समय उन्होंने ये बातें कही थी। लेकिन धृतराष्ट्र और विदुर के संवाद में दृश्य नंबर जो दूसरा है वहाँ पर ये जो संवाद हो रहा है वहाँ पे विदुर जी ये बात याद दिला रहे हैं धृतराष्ट्र को। तो ये एक 6 दृश्य का छोटा सा नाटक है आपके समक्ष प्रस्तुत करने की मेरी इच्छा है। क्यों? क्योंकि इससे बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसके संवाद प्रमुख हैं। नाटकों से संवाद संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, नाटक और कहानी दो मुझे ऐसा लगता है आपको पूरे पढ़ने चाहिए, क्योंकि इनके संवाद पूछे जाएंगे। कौन सा संवाद किस पात्र का है ये पूछा जाएगा, और इसके लिए रचना को पूरा पढ़ना आवश्यक है। आगे देखते हैं, सांग ये लोकमंचीय रूप है, इसका प्रचलन है हरियाणा में, और विदेशिया का प्रचलन है बिहार में, और माच का प्रचलन है मध्य प्रदेश में, और ख्याल गायकी का प्रचलन है राजस्थान में। कौन से उपन्यास में राम व काम का द्वंद्व चित्रित है? तो मानस का हंस, तुलसीदास पे है ये आधारित मानस का हंस, तो इसमें है काम एवं राम का द्वंद्व। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर, तो ये किसकी है, इसका अर्थ क्या है, अर्थ पूछा है। तो इसका उत्तर है कुआं, अमीर खुसरो की ये पंक्तियाँ हैं, और आपको रामचंद्र शुक्ल की बुक में आसानी से मिल भी जाएंगी, या अमीर खुसरो वाला दिया हुआ है वहाँ पे। अब आगे देखते हैं, क्रमानुसार वाले के लिए अलग वीडियो मैं आपके लिए तैयार करूँगी, तो इसको मैं यहाँ नहीं करवाऊँगी। आगे बढ़ते हैं, किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, ये स्वभाव है, ये किस निबंध से लिया गया है? तो देखिए, ये लिया है कछुआ धर्म निबंध से, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। हालांकि पिछले प्रश्न पत्रों में हम इसे करे आए हैं तो इसका सही उत्तर दे सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी, पुनः आपको आगाह करना चाहूँगी, पूरे ध्यानपूर्वक पेपर दीजिए इस प्रश्न के लिए। इस प्रश्न के लिए आप चैलेंज कर सकते हैं इस प्रश्न को, क्योंकि कछुआ धर्म ये निबंध हमारे सिलेबस में है ही नहीं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी, उसने कहा था हमारे सिलेबस में, ये आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछा गया है। देखिए, अब हिंदी साहित्य के अंतर्गत कछुआ धर्म एक महत्वपूर्ण निबंध है, ठीक है माना, लेकिन जब एनटीए हमें एक सिलेबस दे रहा है बना के,
कि ये सिलेबस है, आपको ये पढ़ तैयार करके आना है, तो वो ही इतना ब्रॉड है कि उसकी तैयारी के लिए हमें साल भर का समय चाहिए। तो जब हमारे सिलेबस में 15 से 20 कठिन कठिन निबंध ऑलरेडी संकलित हैं, तो आप फिर उसके बाहर निबंध क्यों दे रहे हो? और जब आप उसके बाहर ही आपको जो पूरे हिंदी साहित्य के सारे निबंध ही हमें पढ़ने हैं, तो फिर आप सिलेबस में लिख के क्यों दे रहे हो कि ये पढ़ के आ जाओ? तो यदि आपका एक नंबर से GRF रुकता है या एक नंबर से नेट परीक्षा दे रही है, तो ऐसे प्रश्नों को ढूंढ के उसे चैलेंज करिएगा और तथ्य सहित इसको सिलेबस का एक फ़ोटो भेजिए कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है? तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मांग पिछली प्रश्न पत्र से बहुत से विद्यार्थियों ने उठाई थी कि जो प्रश्न पत्र है वो अजीब, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत सारे चैनल थे, इंग्लिश के भी चैनल से ये मांग उठी थी कि जो परीक्षक हैं, परीक्षक उन्हें नहीं कहेंगे, जो पेपर सेट कर रहे हैं वो हिंदी साहित्य के अनुसार पेपर सेट कर रहे हैं, ना कि NTA द्वारा निर्धारित सिलेबस के अनुसार। ऐसा लगता है कि जब वो पेपर सेट करने बैठते हैं तो वो सिलेबस को देखते ही नहीं है, बल्कि अपने मन से, क्योंकि वो सभी विद्वान हैं हिंदी साहित्य के, उन्होंने देखा कि ये निबंध महत्वपूर्ण है, उठा के लाइन इसकी डाल दी। गलत है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत आप हमें कुछ भी पूछ सकते हो उस नाम पे कि हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण निबंध है, लेकिन ये हमारी निबंधों की श्रेणी में नहीं आता। इसके लिए जरूरी है कि सिलेबस को ध्यानपूर्वक आप पढ़ें। बहुत सारी बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं। कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है? मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, तीनों है, मंडियाली नहीं है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। बिहारी के संबंध में ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ये आज ही मैंने पढ़ा है। हालांकि इसका उत्तर मुझे पहले से पता है क्योंकि यह PGT में भी बार बार पूछा जाता है, लेकिन इसको मैं अभी पढ़ रही थी। इसके ऊपर की लाइन है कि जब वो बिहारी ससई के दोहे हम पढ़ते हैं तो एक छींटे से, है ना, रस के छींटे से, जैसे एक प्रबंध काव्य होता है उसमें तो एक रस का एक प्रभाव सा होता है, एक ना नदी सी, धारा सी, सागर मान लीजिए, लेकिन मुक्तकों में क्या होता है, रस के छींटे पड़ते हैं जो हमारे हृदय की जो कली है वो खिल जाती है, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो उसी के अंतर्गत उन्होंने ये लिखा हुआ कहा है, तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। जैसे पुराना चावल ही बड़े बड़े लोगों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। शुक्ल जी का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य के आदिकाल के किस प्रकरण में है? तो ये प्रकरण नंबर 4 में है। बड़ा ही बेहुदा प्रश्न है ये, है ना। अब आप लोग कहोगे कि आप मतलब बेहुदा क्यों इसे कह रही हो। देखिए, ये ऊपर वाला सही है, लेकिन ये भी याद रखना कि कौन सी लाइन कौन से प्रकरण में लिखी हुई है। एक शुक्ल जी की बुक ही तो नहीं है जो हमें पढ़नी है, हमें डॉक्टर नगेंद्र को भी पढ़ना है, रामस्वरूप चतुर्वेदी को भी पढ़ना है, हमें बहुत सारी हिंदी साहित्य इतिहास की बुक्स पढ़नी है। तो ये इस तरीके से कहना क्या चाह रहा है, NTA क्या शो करना चाह रहा है? देखिए, मेरी NTA से कोई जो संस्था है उससे कोई पर्सनली वो तो है नहीं, मेरा जो संबंध है वो आप लोगों से है। तो मेरा उद्देश्य आप लोगों को ये समझाना है कि आप इस चीज़ को समझिए कि ये जो पिछले 2-3 प्रश्न पत्र हम देख रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल की बुक पर इन्होंने बहुत फोकस किया है। एक तरीके से इस तरह सा ये ऐसा लग रहा है जैसे एक साजिश के माध्यम से ये हमसे ये कहना चाहते हैं कि ये बुक तुम्हें रटनी है। इस प्रश्न का क्या मतलब है, कौन सा हिंदी साहित्य का विद्वान है बड़े से बड़ा जो इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है? दे सकता है कोई? नहीं दे सकता ना। ऐसे कैसे कोई याद कर लेगा कि कौन से प्रश्न में, कौन से प्रकरण में क्या बात कही गई है, इतना मोटा उनका ग्रंथ है, ठीक है? तो आप प्लीज जो लोग थोड़ा सा, है ना, एक्टिव हो रहा करिए और थोड़ा सा अपना गलत बात को गलत कहा करिए, है ना। इससे संबंधित आप कमेंट कर सकते हैं, आपको क्या लगता है इस तरीके के प्रश्न पूछे जाने चाहिए अथवा नहीं, कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर मुझे इसका उत्तर दीजिएगा। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? तो नेपाली है, कांगड़ी, राजस्थानी, गोंडवी, ये सब नहीं है क्योंकि ये बोलियों के अंतर्गत आती हैं। आगे कथन है, इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़े पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार चाहता है। महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध पंक्तियाँ, और मुझे ये बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ इनकी लगी। आगे देखते, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ, रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छुप कर चलते हो क्यों, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन भरे रहते हो क्यों, उपयुक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त मौर्य से ली हुई हैं। किस, कौन से कवि उत्तर छायावास से संबंधित हैं? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन और रामेश्वर शुक्ल अंचल, B और C, ये दोनों उत्तर छायावाद युग से संबंध हैं। गांधीवाद असत्य कथन कौन सा है? इसमें विचार स्वतंत्रता का अभाव है, तो ये गांधीवाद के संबंध में असत्य कथन है, क्योंकि विचार स्वतंत्रता को तो गांधी जी महत्व देते हैं, तो ये गलत है। सही कौन कौन से हैं?
पहला, इसके पीछे मार्क्सवाद के समान व्यवस्थित शास्त्रीय अध्ययन नहीं है। यह सही है, इसका आधार तर्क नहीं सहानुभूति है, यह भी सही है। इसके विचारों का शोध दैनिक साधना, यह भी सही है। सत्याग्रह स्वयं के करके ही तो सीखना है ना, गांधीवाद के अंतर्गत। आगे देखते हैं, कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करती हैं। चारों ही रचनाएं, चारों ही कहानियां मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, आसानी से देख लेंगे। भोला राम का जीव, यह कहानी, और जामुन का पेड़, ये प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यंग करती हुई रचना है। जामुन का पेड़ है कृष्णचंद्र जी का, और भोला राम का जीव है हरिशंकर परसाई जी का। सिक्का बदल गया कहानी है कृष्णा सोपती की, जो विभाजन की त्रासदी पर आधारित, और पिता एक कहानी आंदोलन के अंतर्गत ज्ञान रंजन द्वारा लिखी हुई कहानी है। काव्य भाषा के संदर्भ में यह मान्यता कौन सी मान्यता है, वर्डवर्थ की नहीं है। तो भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, ये वर्ड्सवर्थ नहीं मानते। क्या क्या मानते हैं वो भी देख लेते हैं। काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद कवियों की देन है, ये भी सही बात है। गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। ये सब वर्ड्सवर्थ के विचार हैं, और उनका कौन सा विचार नहीं है कि मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, ये उनका विचार नहीं है, क्योंकि वो आडंबरहीन वो भाषा ऐसा मानते हैं। चलिए, जीवन मह चाही को नी को दरस परस दिन रात करत है कान प्यारे पी को, शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्तियां मानी है। तो असूया भाव की अभिव्यक्तियां हाँ मानी है। तो ये सारे उदाहरण देखिए शुक्ल की जो बुक है ना उसमें आपको मिल जाएंगे। आगे देखते हैं प्रकृत प्रकाश, इसके रचनाकार है वर रुचि। प्राकृत प्रकाश के रचनाकार है वर रुचि। श्रवकाचार रचना की है देवसेन ने। प्रबंध चिंतामणि है जैनाचार्य मेरुतों की, और कुमारपाल चरित्र सोमप्रभ सूरी की। ये भी हम पूर्व में पढ़े आए हैं तो गलत होने की संभावना नहीं है। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है, 5 मानी है। ठीक है, और ये सब आगे देखते हैं। बच्चा सिंह सिहरसा गया और उसके हाथों का की अभ्यस्त निठराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। तो राजा निर्वंशिया कहानी का प्रसिद्ध जो कहानी है कमलेश्वर जी की, राजा निर्वंशिया, वहाँ से ली हुई ये पंक्ति है ना। हॉस्पिटल में जब उसके घाव पे चीरा लगता है उसके पति के घाव पर, तो ये जो चीख निकलती है उसके मुँह से, लड़की के मुँह से, तो उस समय का ये चित्रण है। आगे देखते हैं, मनु भंडारी अपनी आत्मकथा एक कहानी यह भी में आपका वंची उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में किस पक्ष को उपेक्षित मानती है, मुख्य स्त्री पात्र का स्त्रीत्व। देखिए, आपका बंटी पढ़ के हम क्या सोचते हैं, खंडित बचपन का उसमें चित्रण है, बच्चों के पालन पोषण का आर्थिक रूप से क्या वो उसका भी चित्रण है, और बाल मनोविज्ञान का तो वो पूरा उपन्यास ही उस पर आधारित है। कौन सा पात्र को उपेक्षित मानती है, स्त्री पात्र का स्त्रीत्व, यानी शकुन की उसमें उपेक्षा हुई है। किसी का भी ध्यान, सबका ध्यान बंटी ने इतना आकर्षित कर लिया कि हम शकुन की पीड़ा को समझ पाने में असफल रहे, इस बात का दुख किसको है, मनु भंडारी को भी है। ठीक है, आगे देखते हैं, तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है। सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है, नहीं पे जोर देना है, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास। ठीक है, अब सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, वर्गीय पूर्वाग्रह, अतीत की गौरव गाथा, ये सब तो सांप्रदायिक भावना को बढ़ाने का काम करती है, लेकिन विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर रहना ये सांप्रदायिक भावना को बढ़ाने का कार्य नहीं करता। तो सही उत्तर है उत्तर नंबर 2। रोमारोला की कौन सी कृति जीवनी परक है, तो महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष, यह जीवनी परक रचना है रोमारोला की जो प्रसिद्ध है। काव्य रचना है जूही की कली का प्रकाशन काल था 1916, भारत भारती का प्रकाशन काल था 1912, प्रिय प्रवास का था 1914, और प्रथम रश्मि का था 1919। आगे देखते हैं, जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारता मूलतः मार्क्सवादी, कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है, घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी किंतु वे उससे बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह ने किसके बारे में ये कहा है, नागार्जुन के बारे में कहा है। जैसा कि मैंने कहा, शुक्ल का इतिहास भी पढ़ना चाहिए, इनके अनुसार हमें नगेंद्र का भी प्रश्न ये पूछ रहे हैं, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी की किताब से भी प्रश्न पूछ रहे हैं, और अब बच्चन सिंह का है ना, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास इनकी जो बुक है उससे भी इन्होंने प्रश्न पूछ लिया। तौलिया शब्द किस भाषा का है, पुर्तगाली भाषा का है। नंबर, ये भी एक प्रश्न आप निश्चित ही मान लिए, ये एक प्रश्न आ ही रहा है आपके, कौन से शब्द दे देती है वो कौन सी भाषा के हैं। नामवर सिंह ने संस्कृति और साहित्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य क्या माना है, आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट। ये बिल्कुल सही प्रश्न है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाने चाहिए, क्योंकि संस्कृति और साहित्य निबंध हमारे सिलेबस में है, तो आप इससे प्रश्न पूछ सकते हो, है ना।
बाली को सपूत, कपि कुल परहुत, रघुबीर जी को दूत, भरी रूप विकराल को, ये कथन किसका है? तो ये सेनापति का कथन है और ये शुक्ल की पुस्तक से लिया हुआ है। ये भी मैं आपको बता दूं, शुक्ल की पुस्तक में आपको ये मिल जाएगा। कौन सी रचनाएं पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है? तो आदि पुराण और उत्तर पुराण दोनों रचनाएं पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है। योगसार और जसहरचर्यु, ये दोनों की दोनों रचनाएं पुष्पदंत द्वारा रचित हैं। आगे देखते हैं गैंग्रीन कहानी की। मालती बचपन में कैसी लड़की थी? उद्दत और चंचल लड़की थी, चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। 56 नंबर का कथन देखते हैं। दोनों का हठथा दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी के उपरोक्त पंक्तियों का क्या आशय है? दोनों से मतलब है देव और दानव। तो इड़ासर के अंतर्गत ये पंक्तियां हैं। आगे देखते हैं अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। तो ये शुक्ल जी का कथन है, उनकी बुक से पूछा हुआ है। और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए जिनमें कल आदमी अकाल था। तो धूमल की जो कविता है अकाल और सारस, उससे ये ली हुई है। शुक्ल जी ने ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया और ना पश्चिमी व्यक्तिवाद को। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा जी का है। क्या स्त्री होना पाप है? आकाशदीप कहानी से चंपा का कथन है, जब वो प्रथम बार जहाज पे बुधगुप्त से मिलती है। केशवदास की रचनाएं रसिक प्रिया और विज्ञान गीता। देखिए आप लोग अभी तक भी यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक बहुत जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसको ना लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है ना। रजिस्टर पे इतना बड़ा पेपर उतारना, इतने सारे कथन उतारना बहुत मेहनत का काम है। लेकिन क्योंकि अब और इतने ज़्यादा आप लोग इस वीडियोस को शेयर भी नहीं कर रहे। देखिए पुराने पेपर तो बहुत यूज़फुल है, आप इन्हें अपने दोस्तों तक शेयर क्यों नहीं करते, किस भावना के कारण नहीं करते मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे दुख ज़रूर होता है। लेकिन क्योंकि आप लोगों से मैंने वादा किया था कि मैं सभी प्रश्न पत्र आपको चैनल पर उपलब्ध करवाऊँगी, तो वो मैं करवाऊँगी, चाहे व्यूज़ कम आएँ चाहे ज़्यादा आएँ, उसकी मुझे अभी परवाह नहीं है। तो मैं अपना वादा पूरा करूँगी। लेकिन अच्छा लगेगा मुझे यदि आप इन वीडियोस को अपने मित्रों में शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें। तो अगर आप मेरे थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो अच्छा सा लगेगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, बाकी कोई बात नहीं है। आगे देखते हैं कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थिति की स्थित्यांत अर्थात जीवन गति होनी चाहिए। काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। जिनेंद्र कुमार की पंक्तियाँ हैं ये। हिंदी पर सामाजिक सांस्कृतिक वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? सामाजिक संस्कृति के वहन का 351 में। ये भी एक प्रश्न अभी पूछा ही जा रहा है लगभग लगभग अनुच्छेदों से संबंधित। मोहन राकेश की डायरी प्रकाशन का वर्ष 1985, डायरी के कुछ पन्ने 1940, मेरी कॉलेज डायरी 1958 और एक कार्यकर्ता की डायरी 1972। देखिए इस प्रश्न पत्र को सरल नहीं कहा जा सकता, है ना, कठिन प्रश्न पत्र है ये। पेरी उपसू के ग्रंथकार है लॉन्जाइन्स, द सेक्रेट बुक के हैं टी एस इलियट, पॉलिटिक्स के हैं अरस्तु, बायोग्राफी लिटरेरिया के हैं कॉलरिज। तोरे माननी ते ही अफोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लख भय मियाँ रसखान। आचार्य शुक्ल के अनुसार दोहे से स्पष्ट होता है कि रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे। स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी, और रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए। तो ये ए बी डी ये सही है, सी और ये आगे का ई है ये ऑप्शन गलत है। रसखान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे, गलत है। और रसखान मोहिनी का मार्गदर्शन करना चाहते थे, यह भी गलत है। आचार्य शुक्ल की बुक में ये दिया हुआ है, ये वाला दोहा भी मिल जाएगा आपको। हिंसानल से शांत नहीं होता, हिंसानल ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से? तो उन्मुक्त ये जो रचना है इससे इसका संबंध। इसमें अब देखिए कुरुक्षेत्र आया है, तो कुरुक्षेत्र से मुझे याद आए, ये 2018 वाला पेपर मैं आपको करवा रही थी। तो ये एक प्रश्न था 31 नंबर का, इससे संबंधित प्रिया का या प्रज्ञा का एक कमेंट आया था, नाम थोड़ा मुझे याद नहीं है, कन्फ्यूजन सा हो रहा है। रामधारी सिंह किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? तो मैंने आपको बताया था काम में अध्यात्म की समस्या उर्वशी। पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ लिए जो रचना है वह है परशुराम की प्रतिज्ञा, ये मैंने आपको नहीं बताया था, अब बता रही हूँ। और युद्ध दर्शन पर आधारित है अंधा युग। कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है कि अंधा युग नहीं मैम, इसका सही उत्तर है रश्मि रथी। देखिए अगर हुंकार और ये परशुराम की प्रतिज्ञा, हुंकार, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, अंधायुग, सभी के सभी में कहीं ना कहीं युद्ध की स्थिति का वर्णन है, युद्ध से संबंधित है, ठीक है। लेकिन जो ये शब्द जुड़ा हुआ है दर्शन, रश्मि रथी में का मूल प्रतिपाद्य है दर्शन, युद्ध के दर्शन को दर्शाना नहीं है, उसका मूल प्रतिपाद्य जो कर्ण है उसके चरित्रिक विशेषताओं को उजागर करना, उसे एक महत्वशाली व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठापित करना, उसकी स्थिति को, उसकी वास्तविक स्थिति को पाठकों तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना, जैसे कि साकेत के माध्यम से मैत्री शरण गुप्त ने उर्मिला को लोगों के सामने उसको
एक उद्दात भावना प्रदान करिए, उसका उद्देश्य वो है। ऐसे ही अलग अलग रचनाओं के अलग अलग उद्देश्य हैं, लेकिन जब दर्शन वर्ग की बात करें तो युद्ध का दर्शन तो एकमात्र अंधायुग आप इसका ऑप्शन होगा। हालांकि विभिन्न प्रश्न पत्रों में इसके दे सकते हैं, आप भी इसमें चारों पाँचों ऑप्शन अगर पूछा कि युद्ध के दर्शन पर कौन कौन सी हो सकती हैं और ऑप्शन में आए तो उसमें तीन चार हो सकती हैं, मतलब युद्ध पर आधारित। लेकिन जब दर्शन की बात करेंगे तो 100% अंधायुग ही आप इसके अंतर्गत बता सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, अब यार ये बड़ा शुक्ल की, इसके लिए शुक्ल की बुक याद हो जानी चाहिए, है ना, तब इस तरीके के। इसकी कसा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है, ये उन्होंने नहीं लिखा है। क्या क्या लिखा है? अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चलती दिखाई देती है, ये भी उन्होंने लिखा है। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है, यह भी लिखा है। हिंदी को है या किया दिया ऐसी एक दो क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा, यह भी लिखा है। कुल मिला के इन प्रश्नों के माध्यम से आप ये जान लीजिए कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ आपको पढ़कर ही जाना है। किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? कुमार रविंद्र का है, वीरेंद्र मिश्र का है, माहेश्वर तिवारी का है, गिरधर राठी का नहीं है। ठीक है, कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? तो नाभादास राम भक्ति धारा के कवि हैं, बाकी ये सभी कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की अपनी माँ से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो लड़की की अपनी माँ से प्रतिस्पर्धा को हम इलेक्ट्रा ग्रंथि के रूप में जानते हैं। कली कौतुक के रचना है, रचना रचयिता हैं प्रताप नारायण मिश्र। मैं वक्ता नहीं हूँ, कविता ईजाद करता हूँ, गाली, ये श्रीकांत वर्मा की पंक्तियाँ हैं। इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएँ, कविता पेट से सुनी जाती है, धूमिल की रचना है। आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी, रघुवीर सहाय की है। मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। पंक्तियाँ हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। काफ़ी जल्दी जल्दी पढ़ने के बाद भी वीडियो काफ़ी समय ले जाता है, 100 प्रश्न काफ़ी होते हैं। आगे देखते हैं। दंडी का कथन है शरीरम तयाम दिष्टार्थ अवचित्रम पदावली। भामर का कथन है शब्दार्थ सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च द्विधा। वामन का कथन है काव्यम शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। क्षेमेंद्र का कथन है अनौचित्याहते नान्यतम रसभंगस्य कारणम। तो ये औचित्य संप्रदाय इन्होंने चलाया था क्षेमेंद्र ने, इस प्रकार आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत लगा के। नई कविता के प्रथम अंग में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रस्तुत हुआ था? जूही की कली का। शुक्ल के अनुसार रहीम के विषय में सही बात है, संस्कृत अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे और उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सभा विद्वानों व कवियों से सदा भरी रहती थी। तो ये ए सी डी सही है, गलत क्या है? जब उनसे कोई कुछ मांगने आता तो उन्हें दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था, ये गलत बात है। क्योंकि जब सजा मिलने के बाद वो गरीब हो गए थे ना, उनकी संपत्ति हड़प ली थी राजा ने, तब उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव होता था और इसीलिए वो उन्हें विभिन्न राजाओं के पास भेज देते थे। अन्य जो उनके मित्र राजा थे उनके पास मदद के लिए भी भेजा था उन्होंने, काफ़ी ग्लानि उनको होती थी। और इसी से संबंधित हम पूर्व के परीक्षा में एक प्रश्न पढ़ गए हैं, मैंने आपको उसमें भी समझाया था कि रहीमन जीवो जब तक ही बलो देव होए ना धीम, तो वो उसी से संबंधित है। और हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के थे, ये गलत है। कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार है यांत्रिकतावादी सिद्धांत, यही सच है। कहानी के कहानीकार हैं मनु भंडारी, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। राम की शक्ति पूजा की रचना वर्ष है सन 1936। बैठे हुए सुखदातप में मृग रोमांथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विशब्द विचरते हैं, ये वर्णन है। रश्मि रति के अंतर्गत परशुराम के आश्रम का यह वर्णन है। माई ना होती बाप ना होते कर्म ना होता काया, शास्त्र ना होता वेद ना होता कर्म कहाँ से आया। तो इन पंक्तियों के रचयिता हैं नामदेव, महाराष्ट्र के प्रिय संत हैं। सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, अमीर खुसरो की हैं। सखी नील नवस्तर से उतरा ये हंस आहा चरता तरता, अब तारक मुक्ति शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। हंस अलंकार तो इसमें मतलब किससे संबंधित है, ये तो रूपातिशयोक्ति का यहाँ सहारा लिया गया है कथन को कहने के लिए। रस की प्रस्तुतिकरण के लिए तद्रुपानुसंधान शब्द का प्रयोग भट्ट लोल्लट ने किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को काल स्रोत की दृष्टि से सुमेलित कीजिए। अनामदास का पोथा, उसमें औपनिषदिक काल का वर्णन है। पुनर्वा चौथी शताब्दी की रचना लगती है। बाण भट्ट की आत्मकथा की विषय वस्तु है छठी सातवीं शताब्दी की विषय जो है जानकारी है या उस समय का चित्रण है इसमें। और चारू चंद्रलेख में 12वीं से 13वीं शताब्दी का वर्णन मिलता है। तो ये इनकी है और अनामदास का पोथा उपनिषदिक काल का वर्णन है, ये हम पूर्व में भी पढ़ के आए हैं। आगे देखते हैं। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पदवल्लरी क्रियापद के लोप आदि से में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है
आनंद वर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? रस को माना है। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनकी भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रसिद्ध पाठ्य ग्रंथ रहा है। शुक्ल जी का कथन किसके बारे में? राजा जसवंत सिंह के बारे में है। स्थापना तर्क वाले प्रश्न के लिए मैं आपको अलग से करवा दूंगी। अब देखिए, इस प्रश्न पत्र के माध्यम से हम क्या क्या तैयारी कर सकते हैं, आगामी परीक्षा के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है, क्या क्या बिंदु हम इसके माध्यम से निकाल सकते हैं महत्वपूर्ण, उस पर चर्चा करते हैं। पहला, प्रत्येक गद्य रचना का की परिचयात्मक जानकारी हमें होनी चाहिए। जितने भी उपन्यास सिलेबस में लगे हुए हैं उनकी विषय वस्तु क्या है, एक परिचयात्मक जानकारी आपको होनी चाहिए। रचना का संपूर्ण अध्ययन करना है, ये मैं आपको बीच में बता चुकी हूँ। रचनाकार का जीवन परिचय होना चाहिए हमारे पास कि किसने कौन कौन सी रचनाएँ लगी हैं, तो ये रचनाकार वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आगे देखते हैं, 40 प्रश्न ऐसे हैं जो कथन और पंक्तियों के इसमें पूछे गए हैं और इसमें 8 तो मैंने सीधे सीधे जो पूछे हैं कि ये शुक्ल के अनुसार वो कहा है, बाकी शुक्ल के इसमें देखूं तो मैं कम से कम 15 से 20 प्रश्न है ना, बल्कि आप 20 से ज़्यादा ही लगा लीजिए, 30-35 प्रश्न इसमें शुक्ल से पूछे हुए हैं, शुक्ल के ग्रंथ से पूछे गए हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि यदि आपके पास शुक्ल की किताब नहीं है, आपने अब तक पढ़ रखी है, तो उसका रिवीजन कर लीजिए। नहीं है, नहीं पढ़ी है, तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें शुक्ल के बहुत से उदाहरण उससे आप मिल जाएंगे, वहाँ से आप कर ले जाओगे। अगर वैसे तो मूलतः आपको शुक्ल का ग्रंथ ही पढ़ना पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं पढ़ना है। यदि नहीं पढ़ सकते तो मैंने ऑप्शन बताया, बाकी पढ़ सकते हो तो शुक्ल का ग्रंथ जरूर पढ़िएगा। ये हम स्थापना तर्क के लिए अलग से करेंगे। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ प्लीज़ इन वीडियोज़ को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है? कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं कल एक अंतिम प्रश्न पत्र के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।